हेलो फ्रेंड फ्रेंड्स, ये माइक है। माइक इसको सिस्टम में लगाते हैं तो ये चल नहीं रहा था। तो इसको जब मैंने देखा तो इसको जो है किसी ने जो है इसको गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये देखें इसके अंदर पिनें जो हैं वो अंदर चली गई हैं। उसको गलत तरीके से लगाया तो बिल्कुल ये नया है, उसको मिसयूज़ किया गया, जिसकी वजह से जो है ये इसकी पिने जो हैं वो इसमें कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये कहाँ से चलेगा। तो इसको देखते हैं, इसको पिनों को सही करते हैं, और अगर ये प्रॉब्लम आपकी हो तो ये आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये देखते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से खोलते हैं और इसको हटा देते हैं, और ये ऐसे खुलता है और इसको ये खोल गया। इसको हम ये निकालते हैं आहिस्ता से, ताकि इसके जो है ये अभी ये वायर लगी हुई है। अब इसका जो है ये यहाँ सिस्टम होगा। इसको यहाँ पे इसके स्क्रू हैं, इसको हमें निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर ये ऑन ऑफ का स्टिकर लगा हुआ है। इसको बड़े हम एहतियात से जो है खोलते हैं और देखते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमने जो है इसका स्टिकर बड़े आराम से इसको ये उतार लेना है, ताकि ये टूटे ना। दोबारा हम इसको लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इसको जो है हम इस पे लगा देते हैं। यहाँ पे ये हैं जी इसमें स्क्रू, इसको हम खोल लेते हैं। दोस्तों कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं होता, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से जो है वो करना चाहिए। और इसको ये संभालने हैं, ये अमूमन गुम हो जाते हैं, फिर मिलते नहीं हैं। अमूमन ऐसा होता है। तो ये दोस्तों ऐसे हो गया। अब इसको हम ये ऐसे निकालना है, लेकिन हमने इसको भी खोलना है। एक ये पेच है इसका, और इसको भी हम खोल लेते हैं। देखते हैं अब अंदर वायर्स जो है टूटी भी तो ना तो नहीं है, या सिर्फ पिने ही अंदर गई हुई हैं। तो ये अब हम देखते हैं दोस्तों, ये बाहर आ गया। ये देखिए पिने आ गई और ये भी पिन आ गई। दोस्तों दोस्तों इसमें ये वेट है इसके अंदर, इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। वेट जो है उसे निकाल लेते हैं। ये इसका वेट निकल रहा है। ये इसके अंदर वेट लगाया हुआ था। ये समझ पॉइंट से इसकी पैकिंग है, ये निकल आए। ये पिने इसमें अब हम लगाएंगे और इसको जॉइंट करेंगे। देखिए ये इतनी इतनी पिने थी जो कि बाहर निकल आई हैं। ये
दोस्तों ये पिने अंदर मैंने लगा दी हैं। अच्छा, एक आपको चीज़ समझानी थी, इस पे नंबरिंग होती है, ठीक हो गया। ये नंबर वन है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, मैं क्लोज़ करके दिखा देता हूँ आपको। ये नंबर वन पिन होती है, ये नंबर टू होती है, ये नंबर थ्री। जो पॉजिटिव वायर होती है वो नंबर थ्री में लगनी है। अगर ये फ़र्ज़ कर लें ये तारें डिस्कनेक्ट हुई हुई हों, निकली हुई हों, तो आपको समझने आए कि ये कहाँ पे लगानी है। तो ये रेड वायर जो है वो, ये देखें, ये इसके साथ ग्राउंड हुई हुई है जिसमें हम पेच लगाते हैं। इसके साथ वाली जो ये तीन नंबर जो है, आपने हमेशा ये याद रखना है कि ये तीन नंबर में पॉजिटिव वायर लगेगी, ठीक है। ये आपस में हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सोल्डिंग करके ये इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली वायर जो है ये नंबर टू में आएगी, ठीक है, पॉजिटिव वाली, ओ ये सॉरी नेगेटिव वाली, ठीक हो गया। और ये जो है वो रेड का, क्योंकि ये वाइट भी हो सकती है और कलर भी, येलो कलर में भी हो सकती है, तो लेकिन ये जो है ये रेड में ही होगी। तो ये रेड वाली वायर जो है वो आपने ये बड़े आराम से ये देख लें, मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ कि ये इसके ये तीन नंबर में लगेगी, ठीक हो गया। फ़र्ज़ कर ले कि इस सीधे हाथ से जो है ना, ये दो नंबर में जो है ये वाली वायर लगेगी, और रेड वायर जो है वो ये तीन नंबर में लगेगी, ठीक हो गया। अब हम इसको, क्योंकि ये दोबारा ना निकले, तो इसमें हम जो है फास्ट ग्लू जो है एल्फी, ये हम लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा। दोस्तों कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता, बस इसको देखना होता है और इसको बड़े आराम से जो है ये मसला सॉल्व हो जाता है। अब इसमें इन्होंने ये वेट दिया हुआ है और ये इसमें जो है सवर्ण मोरन लगाई हुई थी। अभी हम इसको जो है थोड़ी देर रखते हैं, ज़रा ये ड्राई हो जाए, फिर हम इसकी फिटिंग करते हैं। दोस्तों ये ड्राई हो गया, अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। और ये देखना है कि हमारा जो ये वाला है ये यहाँ पर आए, और हमारा इसकी फिटिंग कर लेते हैं। और इसको बड़े एहतियात से जो है इसमें डालते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि अभी हमने वेट भी डालना है इसमें। तो पहले हम इसकी सेटिंग कर लें, फिर उसके बाद जो है। लगा देते हैं, बस थोड़ा सा लगाते हैं, थोड़ा से लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, ताकि फिर हमें निकालना हो तो हम उसको निकाल सकें। हम इसका बटन कैसे, इसका वेट का जो है ना, इसको अब हम डाल देते हैं ताकि सेटिंग, ताकि इसकी ठीक हो गया जी। हम इसको लगा देते हैं और थोड़ा सी,
दोस्तों ये देखें, पिन बिल्कुल ठीक हो गई हैं और अपनी जगह फिटिंग भी बिल्कुल सही आ चुकी है। अब हम इसको जो है इसका जो है ऑन ऑफ जो है ये भी लगा देते हैं, सही बैठ गया है। दोस्तों हम ये लगा कर देखते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और अब ये अब हम इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये माइक चेक करते हैं और ये इसमें कनेक्ट कर दिया और इसको चेक करते हैं। हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो। देखो व्यूवर्स, ये बिल्कुल ठीक हो गया माइक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।